नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाई पी न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों आज एक कर, जो नगर पालिका के कर्मचारी है पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से धरने कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए तरह तरह की इनके साथ लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं आपस में ठेकेदार का आपस में जिस तरह डिस्प्यूट हो रहा है बाहर से बुला लेते हैं कर्मचारी सफाई के लिए तो इनकी तो महमो होती है तो आज जो इन्होंने खट्टर सरकार का जो पुतला फूका है और खट्टर सरकार का पुतला फूकने के बाद यहाँ पर आने के बाद इन्होंने किस तरह से क्या प्रतिक्रिया वहाँ पर थी और जिस तरह से सैलरी को लेकर इनकी तनख्वाह को लेकर और साथ ही साथ इनको पक्का करने के लिए ये मांग बार बार उठा रहे हैं तो आज जिस तरह से ये वाक्य गया तो इसके बारे में इनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ और अब किस तरह से अपनी मांगों को ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से मांगे मनवा के और कब तक ये धरना चलेगा तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो आपने खट्टर सरकार का पुतला फोका है इतना रोष आपके अंदर देखने को मिला है उसके पीछे अब क्या कारण आपको मनवाने की भी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं देखिए आज हमारी ये हड़ताल ग्यारह दिन से ग्यारह दिन पहुँच चुकी हमें भी शौक नहीं है हमारी जो आम जनता हो दुखी हो किसी बात से लेकिन मजबूरन आज इस कर्मचारी वर्ग के ऊपर सबके नरम तबके का कर्मचारी है ये सबसे पहले उठ के सफाई करता है आज ये चार पाँच महीने जैसे नहीं मिली इनको कौशल रोजगार में डालने की बात है इनको पक्का करने की बात है उन मूल सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के साथ 2019 में फैसला हुआ 2020 में फैसला हुआ 2021 में फैसला हुआ वो बार बार अपनी बात मान के उसको नकार जाते हैं कल भी मंत्री जी से बात हुई आज भी बातचीत चली हुई है उनका एक ही दे है कि हम आपको कर्मचारी ही नहीं मानते हम आपसे काम नहीं करवाते आप ये जनता बताए आप बताए काम नहीं करवाते तो जो मैम शहर की जो व्यवस्था है जो सफाई की व्यवस्था जो चरमरा गई है जगह जगह पे गंदगी के ढेर लग चुके हैं तो अगर आप कर्मचारी नहीं है तो आपसे पहले जो सफाई होती थी तो अब शहर के अंदर पूरा गंदगी का अंबार लग चुका है ढेर लग चुका है उसको खट्टर सरकार मैम के अंदर आके दौरा किया कि उन्हें पता है कि आप कर्मचारी नहीं है उन्होंने हमारे सामने जो जाहिर बात हुई कि सेंक्शन पोस्टें नहीं हैं आपको ठेकेदारी पर लगा रखा है हम तो ठेकेदार से काम करवाते हैं लेकिन इस बात का विरोध करते हुए इनको विभाग के रोल पर तनख्वाह दी जाए विभाग में इनको समाय समायोजित किया जाए ताकि इनके बच्चे अच्छे ढंग से खाना खा सके इनके पेट अच्छे ढंग से पढ़ सके हम बार बार अपील भी करते हैं हमारा ये कोई शौक़ नहीं है कि बार बार हम अर्थी उठाए बाजार से घूमे पूरा दिन नारे लगाए प्रशासन का सामना करे सरकार का सामना करे हमारा ये कोई शौक नहीं है हमारी एक मजबूरी है हमारा ये जो कर्मचारी वर्ग है सबसे निचले तबके का कर्मचारी वर्ग है जिस कर्मचारी को पंद्रह और बीस साल काम करते हुए हो गए आज वो भी ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुआ है मुख्य जो बात अब जो तनख्वाह को लेकर थी इनकी तनख्वाह अब जो कर्मचारी जिनकी तनख्वाह नहीं मिली थी वो तनख्वाह मिल चुकी है नहीं मिली है नहीं मिली इन्होंने तनख्वाह मजबूरन होके इनके घर में दिवाली भी नहीं मनी है काली दिवाली मनाई है यादरी पर बैठकर धरने पर बैठ काली दिवाली मनाई है इनके बच्चे दिवाली वाले दिन जो ऐतिहा ऐतिहासिक त्यौहार बोलते हैं इनके बच्चों को मिठाई की जगह खाना भी नसीब नहीं हो रहा जो एक दुख का विषय है हम सरकार से अपील भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय हरियाणा सरकार बीजेपी इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करे ताकि दोबारा से सुचारू रूप से शहर की अर्थव्यवस्था सफाई व्यवस्था दोबारा से चल सके मुख्य मांग आपकी है कि इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इनको तनख्वाह दी जाए जी मुख्य मांग ये की है जब तक पक्का भी नहीं किया जाता जब तक विभाग के रोल पर तनखा दे दे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हमें भी पता है कोई प्रपोजल बढ़ाने के लिए समय लगता है लेकिन हम इतना भी दबाव नहीं रहे कि अब इनको पक्का करके उठाओ जब तक तो विभाग के रोल पर इनको तनख्वाह दे दे और समय पर दे दे न्यूनतम वेतन दे दे जो हरियाणा सरकार का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से मतलब न्यूनतम वेतन दे दें ताकि एक कर्मचारी अपने काम पर लग जाए तो दोस्तों ये पक्के की मांग अभी थोड़ा टाइम लेने के लिए देने के लिए भी तैयार है और इनकी तनख्वाह टाइम पर दी जाए और इनकी जो मांगे वो जायज़ मांगे रख रहे हैं कि इनकी तनख्वाह टाइम पर दे दी जाए और पक्का जब का प्रोसेस होता है जो प्रोसेस होती है वो पक्का उसमें हो जाएंगे तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर इनके साथ रहे हैं तो क्या कुछ अब आप, आप क्या कुछ करना चाहते हैं हम बहुत सफष्ट तौर पर सरकार को ये कहना चाहते हैं कि 26 दस दो हजार सोलह का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तुरंत प्रभाव से सरकार उसको तमाम विभागों में लागू करे दूसरा जो नौजवान बच्चों का लड़कों का लड़कियों का जो शोषण हो रहा जो ठेकेदारों के माध्यम से सरकार करवा रही इसकी हम घोर निंदा करते हैं नियम और नियमित भर्ती की मांग करते हैं काम पक्का है बंदा कच्चा है इसको न्याय हम नहीं कह सकते ये सफल खट्टर सरकार का जो पुतला फूक दिया है आपके द्वारा तो इससे क्या लगता है समाधान कुछ होने की संभावना है समाधान का ये है कि भाई जनता परेशान ना हो हम बार बार पहले भी कहते हैं बताया है, चेताया समय रहते सरकार को अल्टीमेटम दिए गए हैं कि अगर ये समय रहते ये काम आप नहीं करते तो फलानी डेट से हम आंदोलन पर जाएंगे ये कोई भूल भुलैया और धोखे वाली बात नहीं होती सफल तौर पे नगर पालिका की स्टेट कमेटी ने हरियाणा सरकार को नगर पालिका मंत्री को समय रहते चेता दिया था कि हमारी दिक्कतों का समाधान करो वरना आंदोलन होगा अब जनता से आपके माध्यम से जनता को जो तकलीफ हुई है उसके लिए महसूस करते हैं कोई सिर्फ नहीं है कि वह जनता को परेशान करी संघर्ष सरकार से है निश्चित तौर पर सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अभी आंदोलन केवल और केवल नगर पालिका का है अगर यही रुख सरकार का रहा तो आने वाला ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा एक एक पूरे हरियाणा का कर्मचारी इनकी सपोर्ट में चाहे वो हड़ताल करनी पड़े चाहे वो धरना प्रदर्शन करने पड़े एक का एक कर्मचारी नगर पालिका के समर्थन में आंदोलन पर होगा ये सरकार को बचाना और चेताना चाहते हैं शहर को सफाई व्यवस्था के लिए दूसरे ठेकेदार आते हैं तो उनको आप सफाई करने से भी रोक देते हैं तो इस तरह से सफाई की व्यवस्था कैसे हो पाएगी ऐसा साथियों ये कोई कंपटीशन नहीं है इनके पेट का सवाल है इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है अनेकों शोर सारा आदमी के पास जिंदगी के हैं लेकिन ये उस समाज से डिपेंड करते हैं। जिनके पास केवल और केवल सफाई करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम है तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी है तो उनसे भी दो शब्द ले लेते हैं कि पूरे रूप आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप भी मौजूद रहे यहाँ पे तो किस तरह से क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरा प्रकरण आप ये देखते जा रहे हो कंटिन्यूटी के साथ जहाँ तक कूड़ा उठाने की बात आपने पूछी है कि भाई बाहर के जो ठेकेदार हैं वो चोरी छिपे चोरी छिपे कूड़ा उठाने का जो कार्य करने की कोशिश करते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारी बड़े अच्छे ढंग से दिन रात मेहनत करते थे कूड़ा भी उठाते थे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान भी रखते थे ऐसी क्या नौबत आ गई भाई अगर उनको काम करना छोड़ के और यहाँ दरी पर आके बैठने की नौबत आ गई ऐसा क्यों हुआ ऐसा तो तभी होता है ना कहीं ना कहीं उनके साथ कोई अन्याय हुआ होगा उनकी बात को पूरी को ना माना गया होगा जो काम वो कर रहे थे उसके अवैज में उनको जितना मेहनत नामा मिलना चाहिए था वो ना मिला होगा कहीं ना कहीं मतलब शोषण का शिकार हो रहे थे तभी तो तरी पर बैठने का काम हुआ ना तो ये जो प्रशासन के देख रेख में प्रशासन से दबाव डलवा के हैं ठेके ठेकेदार का मतलब क्या है ठेकेदार का मतलब ये होता है कि भैया सरकार का पाला हुआ एक बंदा है और वो उसको अपने फ़ायदे के लिए वहाँ रखे हुए है ताकि उसका उसकी जेब में पैसे आते रहें और कर्मचारी काम तो करें लेकिन पैसे ठेकेदार की जेब में रहे उनको देने का काम ना करें तो ये तो सरासर न्याय है तो सरकार को इसके बारे में संज्ञान भी लेना चाहिए और जो हमारी मांगें हैं भाई जैसे जोखिम भत्ता है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनको भी जोखिम का काम करना पड़ता है भाई कहीं ना कहीं आग लगती है तो जाना पड़ता है तो उनको भी जोखिम भत्ता दिया जाए इन सफाई कर्मचारियों को जो शिविर भी हैं सफाई कर्मचारी भी हैं और पार्क वाले भी हैं कर्मचारी सभी को जोखिम बता दिया जाए और घटनाएं भी जो इस ड्यूरेशन में जो है ठेकेदार था, ठेकेदार के और कर्मचारियों की बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसे चोट भी लगी है कई कर्मचारियों को बिल्कुल लगी है ये परसों की बात है तो परसों तो हमारे तीन चार जो कर्मचारी थे वो उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाने का उन पर जान से जान लेने की कोशिश की है और वो तो भगवान का शुक्र है कि भाई वो मतलब उसने बचा लिया उनको नहीं तो उसकी तो ऐसा लगता है उसने कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रखी थी अच्छा उसे जाहिर होता है तो वो एक तो पुलिस के संपर्क में होके ये कूड़ा उठाने का काम करता है ऊपर फिर उसका हौसला इतना बुलंद है वो इन कर्मचारियों को कुछ ना मानते हुए क्या ये जीव नहीं है क्या क्या ये इंसान नहीं है क्या तो उनको ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई है तो ये प्रशासन क्या जवाब देगा अगर वो महिला या वो कर्मचारी अगर उनको उस ट्रैक्टर के नीचे आके कुछ ले जाते वो तो भगवान ने बचा लिया लेकिन उनकी तो कोशिश थी कुचले कुचल ले के मारने की तो क्या होता प्रशासन क्या जवाब देता तो ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश ना करे और जो इनकी मांगे हैं जिसके लिए ये वाजिब मांग है जिसके लिए ये उनको देने की कोशिश ना करते हुए तुरंत दे देना चाहिए और जो इनका कौशल रोज़गार है वो ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इनको पैरल पर ले और जो तनख्वाह है वो टाइम पे दो तो कौन दरी पर बैठने का काम करेगा तो दोस्तों ये सब जो कर्मचारी वरिष्ठ लोग थे जो शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे हैं इनसे बात की और पूरा का पूरा वाक्य आपने देखा किस तरह से क्या है अब तक हुई है किस तरह से इन्होंने आज जो है पूरी की पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इसके बारे में पता चल चुका है तो इस वीडियो को जितना सकता है उतना शेयर करें ताकि इनकी जो मांगे हैं वो सारी की सारी खट्टर सरकार तक पहुँच के और इनकी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी हो सके थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद